तेरी कितना मरती। रोज का, और मैं रोज डर भी जाती हूँ, कैसा मोटा दिमाग है मेरा। सान्या वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल ड्रीम सान्या व्लॉग्स। होप यू लाइक गुड। आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और आज है मंडे। मुझे सारे वीक डेज में से मंडे सबसे हेक्टिक लगता है, भले काम कितना ही कम हो पर मंडे थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो चलिए चलते हैं नीचे और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं एंड फिर कॉलेज चलते हैं। नीचे का काम कंप्लीट हो गया। आज बहुत लेट हो गई हूँ, माता की तबीयत ठीक नहीं थी तो अब मैं रेडी होने लगी हूँ, निकलती हूँ फटाफट। सो मैं रेडी हो गई हूँ, अब निकलते हैं फटाफट और कॉलेज से आने के बाद मिलते हैं। मैं कॉलेज से आ गई हूँ, टाइम हो रहा है 3:40 हो चुके हैं और कपड़े धोने हैं क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। सो मैं आज ही धो दूँगी, अदरवाइज़ वेडनेसडे तक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर मेरा वही हाल होना है कि कपड़े ख़त्म होने पर नहीं आएंगे। तो कपड़े की आज मशीन लगानी है पर 4 बजे लगाऊंगी, 20 मिनट लेटती हूँ और थोड़ा सा व्लॉग देख लेती हूँ। थोड़ा सा हेडेक हो रहा है और मैंने कॉलेज में ना टिक्की खा ली और अब पेट ऐसे हो रहा है, कितना कुछ खा के आ गई। सो अब थोड़ा सा रेस्ट, फिर कपड़े के लिए मशीन लगाते हैं। सो मैं सो गई थी, उठी हूँ, मशीन लग चुकी है, थोड़े ही कपड़े हैं, जल्दी धुल जाएंगे। एंड ये पिम्पल बहुत दुखी कर रहा है, इतना पेन है प्लस कितना गंदा लग रहा है। और पति देव आ के मुझे डरा चुके हैं रोज का, और मैं रोज डर भी जाती हूँ, कैसा मोटा दिमाग है मेरा। हेलो दीदी। बहुत गंदे हैं। तो अब कपड़े धो के मार्केट भी जाना, मार्केट जाना है मेरे को। नानी घर से जो पैसे ले लिया हजम नहीं होंगे। अरे डग्गू की ड्रेस का सामान लाना, कल जरूरी चाहिए, उसका आ गया कॉम्पिटिशन। कब है? थर्सडे है, कल ड्रेस बनानी है। कौन बनाएगा? ये नन्ना ने अपना ठापा कर दिया है। बहु नन्ना डर गई थी। फिर क्या कर रही, क्या कर रही है स्कूल में? ओ तेरी कितना मरती। ला चल, कल के व्लॉग का जो तुम लोगों ने नाश मारा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का नहीं, परसों। परसों का लगा लो, हिसाब तो सेम ही है। नानी घर वाला। हाँ इतनी मेहनत करी थी उन्होंने। ठीक है, बाद में मिलता हूँ आपसे। स्पिनिंग। सो मशीन का चक्कर घूम रहा है, इतने चाय पी लेते हैं। हबी जी चाय अपनी हाथ उसी बना के दी हुई। सो चलिए चाय पी लेते हैं।
हमारे साथ साथ सूख भी रहे हैं और ऑलमोस्ट धुल भी गए हैं। मार्केट जाना है, टाइम 7 बज रही है। दाल उबाल दी थी उसी टाइम जब चाय पीने गई थी, तो बस तड़का लगाना है, वो तो 8 बजे भी लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो मार्केट से थोड़ा सा सामान लाना है, मैं तैयार हो जाऊँ फिर मार्केट चलते हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले ये कपड़े कुछ ड्राई क्लीन के लिए देने हैं एंड उसके बाद कुछ ड्रेस का मटेरियल लेना है। सो चलिए चलते हैं। से आ गई हूँ, अब दाल को तड़का लगाने किचन का डिनर समेट के फिर चलते हैं ऊपर। ओ मैं तो भूल गई, अभी करती हूँ थोड़ी देर। ब्लॉग सेव पे लगा रहा हूँ, इस पे इसके बाद अपलोड पे लगेगा। और मैं ब्लॉग एडिट कर ही रही थी, बीच बीच में कृष्णा ने मेरे को खाना खिला दिया, पता ही नहीं लगा, कुछ शूट नहीं किया, बस बनाना शूट किया। चने की दाल बनाई थी और रोटी बनाई थी। सो डिनर हो गया, मैं ऊपर आ गई हूँ एंड ब्लॉग सेव हो रहा है। अब बस चेंज करते हैं और थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालती हूँ, सो दैट सुबह टाइम से उठ सकूँ। थकान होती है सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं भी नींद नहीं पूरी होती। सो अब से जल्दी सोने की रूटीन शुरू करते हैं थोड़ी। पर नशे हो रहे हैं फुल। आज मैंने कहा था जल्दी सोएंगे, 12:15 हो गए। व्लॉग पोस्ट होते होते 11:15 हो गए। कम से कम खत्म हो जाता है व्लॉग में हमारा। प्लीज देख लेना, मतलब व्लॉग रोज तो आ रहा ना, कोई बात नहीं, कभी लेट कभी जल्दी चलता करेंगे उसका भी हम टाइम सेट के उतने बजे आपको डला मिले। मैं कोई जबान नहीं दे रही हूँ, जब टाइम होगा जैसे टाइम होगा वैसे ही ब्लॉग एडिट होगा, वैसे ही पोस्ट होगा, डला मिलेगा बस। बस मिलेगा हाँ। इस चीज का ही रैम कहो तुमके, डला मिलेगा। और जब 30 ब्लॉग होंगे ना तो एक गिव अवे रखने की सोच रहे हैं हम। पहले वाले गिफ्ट्स तो डिलीवर करा दो, पहले वाले बस यही है, कल में हो जाएंगे, कल मैं आपको दे दूंगा और फिर उसको आप ही कराओगे डिलीवर। हाँ करा दूंगा, कल दे दोगे ना पक्का? डन। ओके सो आज के सारे काम संपन्न हो चुके हैं, मेरी टू डू लिस्ट में सब काम टिक हो चुके हैं, कल की टू डू लिस्ट बन चुकी है। और या इसी के साथ अब सोते हैं, कल एक पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे, काम करने हैं। और आपको क्या करना है कल? कल शायद मेरी मीटिंग है, शायद अगर 9 बजे डॉक्टर साहब आगे तो होगी। और आप तो 9 बजे नहीं पहुंचते। बोलना ना किसी दिन। तो यार निकलो ना, मैं कब मना कर रही हूँ टाइम पे ना निकलो। बस अब 7 बजे निकला करूँगा।
7 बजे दादरी हुआ तो फिर तो सवेरे 5 बजे रेडी होना पड़ेगा। उठते ही नहीं है 7 बजे तो। चलो क्यों नहीं, ऐसे तो मैं गया हूँ जब मैंने गई हूँ, पर अब तो नहीं उठते हो। मैं उठा तक जाती हूँ कभी कभी, तो मैं ऐसे होता है कि 7:45 ऊपर आ जाती हूँ, फिर भी मैं कॉलेज लेट पहुँच रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप उठो, तैयार हो, मंदिर जाओ, ब्रेकफास्ट करो, फिर निकले, 9 घर बज जाती है मेरे को कभी कभी। मुझे घनी तेज, मैं कल आपको 7:45 ऊपर आके दिखाऊंगी। सारे काम खत्म करके? जी काम खत्म करके ही आती हूँ, नीचे जाके सिर्फ ब्रेकफास्ट करना होता है, मैं सब रेडी करके आती हूँ, फिर भी मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाती, क्या करूँ। पहुँच जाएगी, मेरे कॉलेज वाले भी बोलने वाले हैं। सो क्या तो इसी के साथ ये ढोलक नहीं सुनी लोगों ने? डुमक डुम डुमक डुम डुमक डुम। लो आप भी कर लो। क्या करूँ, डुमक डुम। कर दोगे ब्लॉग? क्या क्या करना है इनको, नाच के दिखाना? सो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ब्लॉग, और मिलते हैं आपसे कल एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज ड्रीमी सानिया व्लॉग्स। Grrrr, grrrr.